नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। भले ही एनडीए के अंदर में सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी का उदय हुआ हो बिहार में, 74 सीटें जीत करके बीजेपी जहां गदगद हो, लेकिन उसी बीजेपी के तमाम विधायकों और विधान पार्षदों की मीटिंग में इस बात का ऐलान नहीं हो सका कि कौन उनका नेता होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार सुबह से ही गहमा गहमी नजर आ रही थी। खबर ये थी कि राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे और राजनाथ सिंह की ही अध्यक्षता में पूरी मीटिंग होगी और वहीं पर इस बात का ऐलान होगा, लेकिन राजनाथ सिंह थोड़ी देरी से पहुंचे, लिहाजा अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की मीटिंग में ही नामों का ऐलान होगा। ये पहली बार इस तरह का है कि जब बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की जगह सीएम आवास में बीजेपी विधानमंडल दल का नेता कौन होगा, इस नाम का ऐलान होने वाला है। आपको बता दें कि अपने आप में ये खबर जो है वो थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुबह से तमाम लोग एक एक कर वहाँ पहुँचना शुरू हुए, तमाम लोगों को था कि वहाँ पर ही नामों का ऐलान होगा। कुछ लोग सुशील मोदी के पक्ष में, कुछ लोग प्रेम कुमार के पक्ष में, इस तरह के अलग अलग नामों के पक्ष में जो लोग हैं वो गोलबंद हो रहे थे, अपनी अपनी बात कहते नजर आए। हालांकि खुलकर के कोई कुछ कहता नजर नहीं आया, लेकिन लोग यही कह रहे थे कि पार्टी का जो फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। ऐसे में इन तमाम चीज़ों के बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जैसे जिसके बाद जो मीटिंग है अब वो शिफ्ट हो रही है। एनडीए की जो मीटिंग है, जो विधायकों और विधान पार्षदों की जो मीटिंग थी, अब वो मीटिंग सीएम आवास में शिफ्ट हो गई है, जहां पर एनडीए की मीटिंग होगी और एनडीए की मीटिंग में ही नाम का ऐलान संभव है। छोड़े जाते हैं आपको प्रेम कुमार के उस बयान में जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आखिर कौन होगा जो कि बिहार में डिप्टी सीएम बनेगा या विधायक दल का नेता होगा। और पूरे शहर में इस बात की चर्चा है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, सारे लोग अटकल लगा रहे हैं, तो क्या मैं मानूं कि आपके नाम पे डिप्टी सीएम का मुहर लगेगा? नहीं, पार्टी तय करेगी, और पार्टी जो तय करेगी पार्टी के साथ होंगे, पार्टी के निर्णय के हम साथ होंगे जाकर के। हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी खींचा है माननीय प्रधानमंत्री का सपना जो आत्मनिर्भर बिहार बनाने का, उसी में पूरी ताकत लगाकर बिहार की सेवा करूँ। बड़े बड़े भाई बना है बीजेपी, और पिछली बार तो छोटे भाई थे आप, तो इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होगा वो बीजेपी का चेहरा कैसा होगा? सब जो भी होगा पार्टी तय करेगी, अच्छा होगा बिहार के लिए जाकर के। हम लोग सूत्री कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर बिहार बनाने में पूरी ताकत में लगाऊंगा। सीएम का दो नाम आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हमारी कोई इच्छा नहीं जाकर के है, जो पार्टी फैसला लेकिन पार्टी के साथ है। एक नेता अब जो निर्णय पार्टी को करना, पार्टी को करना, लेकिन आपके समर्थक नारा लगा रहे हैं मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रेम क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जल्द ही मतलब पार्टी तय कर लेना भाई, बाद में ले लेना, पार्टी ले लेना, बात कर लेंगे, निर्णय जल्दी ले लिया। आप क्या चाहते हैं, किसी एक चेहरा पर ही बात हो? सीएम नया चेहरा कोई होगा? अब तो पार्टी हमको तो मालूम है नहीं, क्या राय है? हमारी राय जो जो पार्टी निर्णय लेगी हम पार्टी के साथ हैं। आप 8 बार के बिल्कुल सही है, आपका मन नहीं करता है डिप्टी? एकदम मन छोड़ दिया हमने यार, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे, कह रहे थे कि प्रेम कुमार ही डिप्टी सीएम बनेंगे। जी धन्यवाद, थैंक यू। अब रुक जाइए, चलिए एक मिनट आप क्या चाहते? अभी देखिए पार्टी तय कर रही है, जल्द ही सामने बात आ जाएगी। अब दिल्ली से हमारे माननीय रक्षा मंत्री जा रहे हैं, और जल्द ही घोषणा होगी विधायक दल के नेता का भी, और आगे का भी जो भी मतलब प्रक्रिया है पूरा किया जाएगा। चलो एक मिनट रुक, दो मिनट बात करते हैं।